राजधानी लखनऊ में अगले साल हथियारों का सबसे बड़ा मेला लगने जा रहा है। 5 से 8 फरवरी 2020 के बीच 11वां डिफेंस एक्सपो इंडिया 2020 का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में दुनिया भर के अत्याधुनिक हथियारों की नुमाइश की जाएगी। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संसदीय क्षेत्र और नवाबों की नगरी लखनऊ में अगले साल हथियारों का सबसे बड़ा मेला लगने जा रहा है। लखनऊ में आयोजित 11वें डिफेंस एक्सपो इंडिया 2020 के मेले में दुनिया भर के अत्याधुनिक हथियारों की नुमाइश की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी कर जानकारी दी कि इस एक्सपो का थीम भारत उभरता हुआ रक्षा विनिर्माण केंद्र है। मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि डिफेंस एक्सपो भारतीय रक्षा उद्योग के लिए अपनी क्षमताओं को दिखाने और निर्यात की संभावनाएं तलाशने के लिए एक बेहतरीन मौका है। इस बार के डिफेंस एक्सपो में डिफेंस के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस किया जाएगा। डिफेंस एक्सपो के दौरान यूपी को डिफेंस सेक्टर के लिए तेजी से उभरते निवेश ठिकाने के रूप में दर्शाया जाएगा। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा कि हम डिफेंस एक्सपो में दुनिया भर के रक्षा उद्योगों, प्रदर्शनी लगाने वालों, मंत्री स्तरीय प्रतिनिधि मंडलों का स्वागत करते हैं। सभी लोगों का तेजी से बड़े उत्पाद केंद्र के रूप में उभर रहे भारत में न केवल हमारे सैनिकों बल्कि दुनिया में निर्यात के लिए रक्षा उत्पादों के सह निर्माण और सह उत्पादन के लिए स्वागत करते हैं। उत्तर प्रदेश में मजबूत रक्षा औद्योगिक आधारभूत ढांचा है। यूपी में एचएएल की 4 यूनिट और 9 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यूनिट है। इसके अलावा 2 रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर बनाए जाने की योजना भी है। ऐसे में ये डिफेंस एक्सपो उभरते उत्तर प्रदेश के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।